मेरा नाम है हेमंत, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल। आशा करता हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ बॉडी फैट के बारे में। किस तरह की बॉडी टाइप आपको मिल जाती है, चाहे आप एक स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, किस तरह की आपकी बॉडी टाइप होती है। अगर आप एक अच्छी खासी फिजिक बिल्ड करना चाहते हो आप, या फिर वजन गेन करना चाहते हो, या फिर वजन लॉस करना चाहते हो, आपके माइंड में चल रहा है कि यार मैं किस तरह अपना वजन कम करूं, किस तरह अपना वजन बढ़ाऊं, क्या खाऊं, कौन सी एक्सरसाइज करूं जिससे मेरा वजन ज्यादा या फिर कम हो जाए, और सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि आपकी बॉडी टाइप किस प्रकार की है, कौन सा खाना आपको कैसे खाओगे, आप किस तरह एक्सरसाइज करके आप अपनी फिजिक को अलग कर सकते हो दूसरों से। तो इससे पहले आपको जानने की जरूरत पड़ती है कि आपकी बॉडी फैट क्या है। बॉडी फैट 3 प्रकार के होते हैं बॉडी टाइप। फर्स्ट एक्टोमॉर्फ, जो शुरू से ही पतले होते हैं। एंडोमॉर्फ, जो शुरू से ही हेल्दी होते हैं। मेसोमॉर्फ वो होते हैं जो आपने देखा होगा, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इतना ज्यादा खाते हैं, उनमें एक जेनेटिक होती है, जेनेटिक की बात होती है। मेसोमॉर्फ सबसे अच्छी जेनेटिक मानी जाती है एज ए बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप बॉडी बिल्डिंग को करियर करना चाहते हो और आपको पता है कि आपकी बॉडी फैट क्या है, और आपको ये पता है कि आप मेसोमॉर्फ हो, आप चाहे जितना मर्जी खा लो, आपका ना वजन उतना ज्यादा गेन होगा ना वजन कम होगा। अगर आप खाना छोड़ दो, या फिर खाना छोड़ दो मतलब कि आप एक अच्छी डाइट नहीं ले रहे, आप प्रोटीन इनटेक उतनी अच्छी नहीं ले रहे, लेकिन तभी भी आपकी एक मस्कुलर बॉडी है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है, तो आप मेसोमॉर्फ में काउंट किए जाते हो, जो कि सिर्फ 100 में से 4 या 5% ही लोग होते हैं। तो ज्यादातर लोग एंडोमॉर्फ या एक्टोमॉर्फ ही होते हैं। एंडोमॉर्फ मतलब वो होते हैं, जैसे कि मैं हूं, मुझे अपनी बॉडी टाइप का पता है कि मैं एंडोमॉर्फ हूं। मैंने अपना जो 10 किलो वजन मैंने कम किया था वो 3 महीने से 4 महीने मुझे लगे थे कम करने में, एक अच्छी खासी डाइट करने में, एक अच्छा खासा ट्रेनिंग करने में, जिससे क्या हुआ था, मैं पतला तो हो गया था लेकिन उतना ज्यादा पतला नहीं हो पाया मैं आज तक कभी भी, कि बिल्कुल खत्म लग रहा हूँ, एब्स दिख रहे हैं, मतलब खत्म इन द सेंस कि आपके देखो एब्स, जो लोग आजकल पागल है एब्स के चक्कर में, भाई एब्स होने चाहिए बस। इससे क्या होता है भाई, अगर आप टी शर्ट पहनोगे या फिर शर्ट पहनोगे, आपके भाई कोई देख के यूं नहीं कह पाएगा कि आप यार जिम जाते हो। ऐसे लोग होते हैं आपने देखा होगा, लेकिन अगर वो टी शर्ट खोलते हैं तो भाई पागल है ना। तो एक उस तरह की बॉडी मेरी कभी नहीं बन पाई कि मेरे बिल्कुल एब्स विजिबल है, मैं मतलब पतला सा, मेरा मुंह पतला सा हो गया, ऐसा नहीं हो पाया कभी भी, क्योंकि मेरी बॉडी टाइप एंडोमॉर्फ है, जो शुरू से ही हेल्दी होता है। मैं शुरू से ही हेल्दी था। अगर मैं चाहूं तो 1 महीने में मैं 10 किलो वजन गेन कर लिया था। मैंने 10 किलो कम करने में मुझे 3 महीने लगे और 10 किलो बढ़ाने में मुझे 1 महीना लगा। तो आप समझ सकते हो कि मैं अपना वेट गेन जो है बहुत जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन वजन जो कम है वो मैं बहुत धीरे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरह कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरी बॉडी टाइप क्या है। अगर आप भी ऐसे करना चाहते हो तो कमेंट करिएगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है, चाहे आप एक्टोमॉर्फ हो, चाहे मेसोमॉर्फ हो, चाहे आप एंडोमॉर्फ हो, मुझे आप कमेंट करिए और बोलिए कि हेमंत भाई मुझे इस टाइप, मेरी बॉडी टाइप जो है इसकी है, मुझे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि मैं किस तरह अपनी, जैसे आप एंडोमॉर्फ हो तो किस तरह आप अपने वजन को कम कर सकते हो, एक्टोमॉर्फ हो तो किस तरह आप बढ़ा सकते हो। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की आप ट्रेनिंग करके, किस तरह के खाना खा के, किस तरह की डाइट लेके आप अपना वजन कम या बढ़ा सकते हो, जिस तरह की मैंने किया था। मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार वे बंदा वीडियो ऐसे ही बना रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा कि मैंने कहाँ से करा है, और अगर आप करना चाहते हो, फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो मैं एक वीडियो बना रखी है मैंने कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में किस तरह आ सकते हो, उसे भी आप चेकआउट करिएगा। तो हम जो टॉपिक की बात कर रहे थे वो था टाइप ऑफ बॉडी फैट। तो एंडोमॉर्फ आपको पता चल गया जो शुरू से हेल्दी होते हैं, मेसोमॉर्फ आपको पता चल गया कि वो शुरू से ही मस्कुलर होते हैं, ना पतले ना मोटे, बहुत कम पाए जाते हैं वो, और एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो शुरू से ही पतले होते हैं। आपने देखा होगा कि आप, मैंने एक बच्चे को देखा था, वो 12 से 11 साल का होगा, और होली में हमारे टी शर्ट वगैरह जब लोग फाड़ देते हैं, हम टी शर्ट वी शर्ट फाड़ के घूम रहे थे, तो वो बच्चा भी मेरे साथ था, लेकिन उसके एब्स क्लियर आ रहे थे, एब्स उसकी, उसके चेस्ट की जितनी भी लाइंस थी, मतलब चेस्ट की डेवलपमेंट एक अच्छी थी। मैंने ये बोला कि अगर वो बड़ा होता है और एक अच्छी डाइट और अच्छी ट्रेनिंग लेता है तो भाई ये तो कमाल कर देगा, लेकिन वो लोग गलती करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं किस तरह अपना वजन गेन करूं,
बहुत सारे लोग आके मेरे से कहते हैं कि भाई हिम्मत भाई खाना ही नहीं लगता मेरे शरीर में, अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? तो मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरह की आपकी बॉडी टाइप है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। अगर आप मेसोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है और एक्टोमॉर्फ है बताइए आप। तो वीडियो का यही था आज का टॉपिक, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जाते जाते मैं एक और बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि एक्टोमॉर्फ मतलब जो शुरू से ही पतले होते हैं, जिन्हें अपना वजन कम करने वजन बढ़ाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। एंडोमॉर्फ मतलब जो शुरू से हेल्दी होते हैं और उन्हें अपना वजन कम करने में दिक्कत आती है। मेसोमॉर्फ तो भाई आप, अगर आप मेसोमॉर्फ हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जब चाहे अपना वजन बढ़ा सकते हो, जब चाहे अपना वजन घटा सकते हो और एक अच्छी खासी बॉडी मतलब बना के घूम सकते हो। तो यही था वीडियो का टॉपिक, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के, अगर जिन्हें जरूरत है, जो अपना फिजिक को बदलना चाहते हैं, जिन्हें भी जरूरत है आप वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता रहूंगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते और बाय।